गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है। है क्या इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिए, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बॉयल्स एट 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, कितने पे ये फ्रीज होगा, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन फ्रीज। ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, इतने पे फ्रीज हो रहा है तो कितने पे बॉयल होगा, इतने पे बॉयल हो रहा है तो कितने पे फ्रीज होगा। ये क्वेश्चन खूब ध्यान से आप देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से समझिए। आपको बस दो कॉन्स्टेंट दे दिया है, केबी केएफ, यूनिट हमने नहीं लिखा है, आप समझ रहे हैं। वैसे ये बच्चों को याद भी रहता है वाटर का केएफ और केबी कितना होता है। आपको दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट अगर इतना है तो फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। आइए जरा हम लोग अपना फॉर्मूला याद करें। हमारा क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट माइनस टी बी, जहां टी नॉट क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट ना, हाँ, तो टी बी माइनस टी नॉट, ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हमें पहले से ये फॉर्मूला पता है। अब इसमें देखिए जरा, हमें कुछ दिया है क्या, तो आपको पता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको ये पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। और ये भी दे दिया है आपको 100.17, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोनों ही पता है तो क्या आप डेल्टा टीवी नहीं निकाल लेंगे, आपका आएगा 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि डेल्टा टीवी आप निकाल लें। अच्छा, अब जरा आगे बढ़िए, डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के बी इंटू एम, आई भी होता है लेकिन यहां वन टॉप फैक्टर का कोई मतलब नहीं है, तो के बी इंटू एम। अच्छा, अब ये पता है, के बी भी पता है हमें कितना, 0.52, तो क्या यहां से मोलेलिटी निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 17/0.52, आप इसको 51 कर सकते हैं तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल और आ जाएगा 1/3, ये आया मोलेलिटी। लेकिन अभी आपसे कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, अब क्या करें, तो देखिए आपको एक और फॉर्मूला पता है, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट में आऊं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, इसको भी यहां बी कर लीजिएगा, उससे कोई वो नहीं। अब आप देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या इस फॉर्मूले से कोई फायदा होगा, देखिए डेल्टा टी एफ है उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक जीरो डिग्री पता है और तो कुछ हमें पता नहीं है, तो फिर हम क्या करें, इसको यहीं रहने देते हैं। एक और भी हमें पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी, चूंकि सॉल्यूशन वही है तो मोलेलिटी वही होगा, तो मैं यहां क्या लिख दूं, के एफ के जगह पे 1.86 और मोलेलिटी में 1/3 लिख दूं, बोलिए। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, यहां मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होगी, तो ये आ जाएगा 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपको डेल्टा टी एफ पता चल गया कितना, ये यहां से मैं ले रहा हूं 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी नॉट एफ आपको पता है कितना होता है, जीरो है ना, तो माइनस आपको निकालना है टी एफ, यही तो निकालना है, तो टी एफ अगर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.62 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही आपका आंसर होगा, टी एफ इक्वल टू -0.62 डिग्री सेंटीग्रेड। आप वैसे भी जानते हैं कि अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से थोड़ा बढ़ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी थोड़ा घट जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे। एक बार दो बार देखिए, अगर कहीं दिक्कत आ रही है ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। और आप लोगों का जो डाउट है और भी, वो भी आप लोग भेजिए, जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।